वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो द पंजाब लाइव। जदों भी पाठ करना उच्ची बोल बोल के करना, इसका तन नूं भी फायदा है ते मन नूं भी। इस तरीके नाल पाठ करन नाल आले दुआले वाली थां भी पवित्र हो जांदी है। जो हवावां साडे कोल दी लंघदियां ने उह सब पवित्र हो जांदियां ने। चारे पासे दे माहौल विच बाणी दा प्रकाश होण लग जांदा है। जो साढ़े परिवार के दूजे मैंबर हैं उन्होंने भी पाठ का असर होंगे, उन्होंने अंदर भी वह फिर पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। जो बोल बोल के पाठ करांगे तो इस नाल सरबत का भला होंगे अते सरबत विच असी सारे भी आने, साढ़े भले की तार भी सरबत के भले नाल ही जुड़ी है। एक गल होर ध्यान देने वाली है, जदों बोल के पाठ कर रहे होंगे साडा ध्यान किते होर चला जाए तो तुसी उत्थे रुक जाओ, उत्थे पाठ करना शुरू करो जिथों आपां पहलां अपना ध्यान नहीं सी। इह साडे सब नाल हुंदा है, पर बिना ध्यान तो पाठ ना करो, चाहे सारा ही दोबारा करना पवे। कोशिश यही करया करो सारा पाठ ध्यान विच होए, मन नूं पाठ विच ला के करिए। ये नहीं कि हजे पाठ करन तो बाद ओ काम करना है ये करना है। बोल के पाठ करन दा सब तो वड्डा लाभ यही हुंदा है कि सानू गुरबाणी कंठ हो जाती है। जदों आपां बोल के पाठ करते हैं तो अपना ध्यान भी विच फिर इधर उधर नहीं भटकता। संतां दे बचन अनुसार बाणी का कंठ होना सब तो वड्डा फायदा है। असी बोल बोल के पढ़ांगे जदों तो सुभाविक है कंठ हो जाएगी। सब तो पहला जपजी साहब कंठ करिए, फिर उस तो बाद रहरास साहब, फिर दूजिया बाणियां जिमें चौपाई साहब, आनंद साहब, सवैये, सुखनी साहब, कीर्तन सोहला, जाप साहब, इस सारिया बाणियां तो जरूर कंठ करनिया चाहिए ने। इन्हें कंठ करन दा बहुत ही सौखा ढंग है। जदों भी पाठ करन लगे बोल बोल के पाठ करो। बोल के पाठ करन नाल साडी रूह नूं, साडे मन नूं, साडे शरीर नूं सकून मिलेगा, सानू सुख, सानू शांति मिलेगी। अते जो भी इस पाठ नूं सुन रहा होवेगा, जिसके कन्नां विच इस पाठ ते बोल पैणगे, ओह भी इसका हिस्सेदार बनेगा। जदों बोल के पाठ करांगे तां आले दुआले जीव जंतु, वनस्पति, प्रकृति, हवा पानी सतगुर की पवित्र बाणी नाल पवित्र हो जाएंगे। इस तरह पाठ करन नाल कई मनुख, कई जीव, कई पदार्थां विच गुरबाणी की झलक पवेगी। तो आओ फिर आप भी गुरबाणी पढ़िए तो होरां नूं भी गुरबाणी दे लड़ लाइए। साध संगत जी, एक गल का ध्यान रखने वाली है कि जो सिख हो के बाणी नहीं पढ़ता उसके घर के विचों सिखी फिर आप ही चली जाती, जो सिख हो के बाणी का जाप नहीं करता उसके फिर उसके घर सिखी का बूटा कितों लगेगा। जे चाहते हो कि सिखी का बूटा अपने घर कायम रहे, वह हरिया रहे, अपने घर गुरबाणी आप जरूर पढ़िए। जे आप पढ़ा तो अपने बच्चे ही पढ़ने। वेखो जिमें हर एक जन्म देने वाला वह वाहगुरु है, वह वाहगुरु ही सब का पालन पोषण करता है। वह वाहगुरु ही साढ़े माड़े चंगे समय के नाल सहाय होंगे, उस तो बिना होर कोई सहाय नहीं होंगे। जिस उत्ते वाहगुरु की कृपा होंगी है वह मनुख भी जाप करके हर मुश्किल समय तो बाहर निकल आता। वेखो जे आप गल करिए मन के दो पक्ष ने, पहला पक्ष वह जो दुख के नाल जुड़िया होया, इस करके पहले पक्ष की बहुत वड्डे पद्धर से आप की है अपने मन के निंदा करते हैं। ये अज भी हो रही है, मन दुख पैदा करता है, चिंता पैदा करता है कि यह घर लड़ाई झगड़े कलेष पैदा करता है, वैर विरोध करता है, इस करके मन की निंदा की जाती है। इस मन को इन चीज़ों तो बचाने लिए बहुत सारे यत्न भी किए गए हैं। मन को इन सब चीज़ों तो बचाने लिए कई तरीके भी अपनाए गए हैं। मन का एक दूजा पक्ष भी है, मन जिथे दुख देता है उत्थे सुख भी देता है। अपने आले दुआले जे झात मारीए तो तुसी वेखोगे जिन्हें भी सुख सुविधावां दे साधन ने अज साढ़े कोल ने वह मन का ही चमत्कार है। वेखो ये सब जो भी आपां साकार रूप विच देखते हैं ये कदी ना कदी किसी के मन विच पैदा हुई सी, मन दे ही विचार आया सी ना, मन के अंदर बीज बीजा गया सी, उस तो बाद ही फिर ये जो आपां देखते हैं ये बंदे ने साकार रूप दिता। हजारां साल पहला पशु सी, इहदे जीवन विच कोई बदलाव नहीं आया, जिवें पशु सन उन्हां दा कोई बदलाव तो नहीं आया, जिवें विचारे हैगे सी उवें ही अज ने, पर हजारां साल पहला जिवें दा मनुख सी अज उवें दा मनुख नहीं रहा, क्योंकि मनुख दे कोल मन सी, पशु कोल मन नहीं सी। इस करके पशु ने कोई तरक्की नहीं की, मनुख अज किते दा किते पहुँच गया।
कुदरत का एक नियम है कि जो बीज आप बीजते हैं उही पैदा होंगे। जे कणक बीजते हैं कणक ही होएगी, जे जवार बीजांगे जवार ही होएगी। पर परमात्मा ने सानू एक ऐसा बीज दिता है जिदे चो एक तरह का फल नहीं पैदा होंदा, बहुत तरह के फल पैदा होंदे ने। वह बीज है मन। इस बीज चो रब पैदा होंदे ते ऐसे बीज चो जो है वह शैतान भी पैदा हो जाता है। इहदे चो ही गुण ते इहदे चो ही औगुण पैदा होंदे ने। इह चो ही चंगा ते इह चो ही माड़ा पैदा होंदे। इह चो दुख ते इह चो सुख भी पैदा होंदे ने। जे मन का पहला पक्ष वेखिए तो मन सदा जो है वह बहुत वड्डा दुश्मन है, पर जे इसका दूजा पक्ष वेखिए इहदे वर्गा कोई मित्र भी नहीं। इस तरह जे आपां मन नूं आपां मित्र बना लिया तो दुनिया में हर कामयाबी आपां मिल जाएगी। तो फिर की है, आपां वाहिगुरु का नाम भी जप सकांगे। मित्र उदों ही बनेगा जदों उन्हूं पता लगेगा भी हाँ मैं किवें जीवन जिउणा। तो वह कित्थों पता लगेगा? गुरबाणी तो। वेखो जिवें दुनिया से कोई भी चीज़ हो अधी हो अधूरी हो चंगी नहीं लगती, वो आपां नूं जचती नहीं। बंदे का शरीर भी अधूरा हो तो की है आपां नूं वधिया नहीं लगता। की होवे एक हाथ ना होवे, एक अख ना होवे, किसी दे कान ना होवे, किसी दी लत ना होवे, तां उह बंदा अधूरा लगता है। शरीर दे उत्ते पाया होया अधूरा कपड़ा भी चंगा नहीं लगता। गुरु प्यारियो, जो आपां प्रशादा बनाने घर रोटी बनाने, जे प्रशादा या रोटी एक पासों भी कच्ची रह जाए वह चंगी तरह ना बने, कच्चा पक्का भी रह जाए तो वह भी स्वाद नहीं लगता। घर जे बनी सब्जी विच जे लून ज़्यादा हो जाए, मिर्च वध हो जाए या घट हो जाए, असी उवें नखरे करते हैं। फिर जिथे वाहिगुरु का उपदेश सरवण करना है, आपां उह सुनना है, अपना अंदर लैके जाना है, वाहिगुरु का ज्ञान लैके जाना है, फिर वह ज्ञान भी पूरा ही होना चाहिए। जे आपां पूरे हो के वह ज्ञान लवेंगे भी सारा कुछ सुनांगे तो फिर की है वह पूर्ण रूप विच अंदर जाएगा। अधूरे तो आपां पहलां तो ही हाँ, वह वाहिगुरु ही पूरा है, वह अकाल पुरख ही पूरा है, तो उही मेर करने वाला है। मनुख भी पूरा उदों ही हुंदा है जदों इसकी भावना सच्ची बन जाती है, इसकी श्रद्धा सच्ची बन जाती है। जदों ही आप ही अधूरा है फिर इस मनुख ने वाहिगुरु भी कित्थों इहनूं पूरा लगना है। पर जदों इसकी अपनी भावना तो श्रद्धा पूरी बन जाती है उदों इसनूं वाहिगुरु भी पूरन लगता है। श्रद्धा भी उदों तक पूरी नहीं बनती जदों तक आपां पूर्ण तौर पर वह वाहिगुरु का ज्ञान नहीं हासिल करते तो उन्होंने विश्वास नहीं करते। जदों आपां पूर्ण तौर पर विश्वास करांगे जदों आपां हाँ भी जो गुरबाणी में कहा ना उही सच है। जिन्ना चिर गुरु गुरु जपना शुरू नहीं करते, जिन्ना चिर वाहिगुरु जपना शुरू नहीं करते, जिन्ना चिर वाहिगुरु वाले नहीं बनते उन्ना चिर अपने लिए हर कुछ अधूरा ही है। तो वाहिगुरु पाउण लई करना की है? सिर्फ अमृत वेले उठ के नाम ही जपना है, गुरबाणी उच्चारण करनी है। इसलिए गुरु घर जाके ज्ञान की बख्शीश जरूर मंगया करो, गुणा की बख्शीश मंगया करो। ये जिन्ना चिर आप नहीं मंगते ना उन्ना चिर आप अधूरे हैं। फिर आओ रल मिल के वाहिगुरु जी ने जो आपू दात दी है ना गुरबाणी की वह पढ़िए, तो वह जो वाहिगुरु जी ने आपू कहा उवें करिए। आओ गुरबाणी पढ़िए।